वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो ऑफ रेसिडेंट एविल विलेज। पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैं लेडी डिमेट्रियस को मारने के बाद में मुझे एक डर्टी फ्लास्क मिला था, जिसको कि मैं इस बुड्ढे के पास मिलाया था और इसने बताया था कि इसको यहाँ पर लगाना है। फिलहाल मैंने अभी फिलहाल तो नहीं लगाया, इसको लगाओ दो जाके क्या अभी। लेकिन यार वो बता रहा था कि यहाँ पर वेस्टर्न साइड में मुझे जाना है, जहाँ पर एक रेड फ्लास्क का मतलब रेड चिमनी का घर मिलेगा, वहाँ पर एक आदमी रहता है, उससे बात करनी है, वो आगे का रास्ता मुझे बताएगा, फिर उसके बाद मुझसे बात करना आगे, ठीक है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लें जाके। बाकी यहाँ पर मैंने डर्टी फ्लास्क तो लगा दिया, पर कुछ हो रहा है। अबे ये तो वही वाली गाड़ी है ना जिसमें शायद स्टार्टिंग में मैं गिरा था, जहां से किडनैप कर। ये कौन है भाई? इसको ना, इसको कुछ पास्ट मेमोरी ज्यादा आ रही है आई थिंक। बाकी यार मेरे पास चार चीजें और यहाँ पर लगानी है आगे, वो तो नहीं है यहाँ पर। पहले गेट खोल के आगे चलना पड़ेगा मुझे आई थिंक। इसको विंश की से खुल जाए, ओके विंश की से खुल गया, नाइस बढ़िया है। चलो यार गेट खोल के आगे चलते हैं। इसने बोला था वेस्टर्न साइड में जाना है, ठीक है। रेड वाला गेट टूट जाएगा, इसका ताला टूट जाएगा, सस्ता वाला ताला है। रेड चिमनी वाला घर वो रहा भाई, सामने है मेरा रेड चिमनी वाला घर। भाई यार ये लॉक क्यों है यार? मैं पिछली बार यहाँ से निकला था, यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन यार मैं निकला तब भी ये लॉक था, अभी भी ये लॉक है। भाई क्या सीन है भाई इसका? मैं फिलहाल ये अली घर में जाता हूँ, ये अली घर में भी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बट एक बार और देख लेता हूँ चल के शायद कुछ मिल जाए। अली गेट में जा चुका हूँ क्या मैं इसके आगे? आई थिंक जा चुका हूँ। ओके ओके, यहाँ पर तो कुछ नहीं है यार, कुछ काम का नहीं है यार ढंग का ये अली गेट के अंदर। बाकी ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे यार कुछ भी खास नहीं है यार, निकलो बाहर छोड़ो यार। यार मैं कहाँ से इधर नहीं गया हूँ आई थिंक, मैं इधर नहीं आया हूँ। इधर साइड सामने कुछ है यार, इधर से है क्या गेट के पार जाए? हाँ ठीक है। अरे सामने गेट, भाई मैं कैसे मिस कर सकता हूँ यार इस गेट को? कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं सीधा। बाकी भाई ज़ॉम्बी बैठा है इसकी, ऐसे तैसे रुक जा भाई, पिस्टल है क्या? कहाँ कहाँ भगे चले आ रहे हो भाई? तो लो भाई हेडी शॉट धर दिया इसके, केमिकल फ्लूड मिला है ठीक है, ये मेड बनाने के काम आ जाएगा। बाकी आगे चलते हैं, यहाँ पे तो फिलहाल इस घर में कुछ मिल सकता है क्या मुझे? यहाँ पे तो कुछ काम का दिख नहीं रहा है फिलहाल। ये कि ये गुड्डा पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसका क्या काम है? भाई देखो पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो काम होने वाला है, जो हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे चलते हैं, ये कुछ साइन बना हुआ है, तो लेडी डिमेट्रस का साइन लग रहा है मुझे। बाकी ये यहाँ पे कुछ लगेगा क्या? एग्जामिन कुड प्रोबेबली मूव दिस। ये यहाँ पे कुछ की तो लगने नहीं वाली है फिलहाल, एक बार यूज करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे भाई डू नॉट एंटर, यहाँ पे क्या है, जा तो सकते हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे कुछ मिला है, ये आई थिंक कोई इंसान की फोटो। लुक आउट द विंडो, ओके विंडो कहाँ पे? यहाँ पे ठीक है। जीरो, अच्छा कोड लिखा हुआ है 0704। अबे ये कहाँ से आ गया? नल्ला रुक जा इसके, देख भाई पकड़ना ले मुझे, पकड़। अरे भाई पकड़ लिया, रुक जा इस यार, काट लेते भाई कैसे, नोच लेते, रुक जा। हेडी शॉट बजाना पड़ेगा इसके, मर गया मर गया मर गया, बहुत सही। चलो इससे फिलहाल हम लोगों को केमिकल फ्लूइड में मिल गया, काम आ जाएगा हम लोगों के। बाकी अंदर चल के देखना पड़ेगा। कोड आई थिंक क्या था विंडो के बाहर? 0704 और 08 ठीक है। यहाँ पे डालना है ना 07 सेकंड वाले में डाल देते पहले। स्क्रोल हो जा भाई, खुल जाना चाहिए फिलहाल तो। खुल गया क्या? कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अब एक गन मिली है भाई, कौन सी M1911? अब ये तो पबजी में हम लोग चलाते हैं। जैक हैंडल मिल गया, ये काम की चीज़ है भाई। इससे आई थिंक ट्रैक्टर जो वहाँ पे फंसा हुआ था उसको उठा सकते हैं जैक से, जैक की मदद से। बाकी यहाँ पे सीधे चलना भाई, साउंड आ रहा है ज़ॉम्बीज़ का, मुझे अटैक होने वाला है भाई। सामने बैठा हुआ है, इसको मारना पड़ेगा मुझे, ये आगे नहीं जाने देगा मुझे। ट्रैक्टर के ऊपर ही बैठा हुआ है क्या ये भाई? शॉटगन निकाल लूँ क्या? रीलोड मार लेता हूँ भाई, क्योंकि दिक्कत होने वाली है लग रहा मुझे। दो बैठे हुए भाई, एक में तो मर भी नहीं रहे। मर गया, चलो एक तो गया, नहीं मरो अभी, एक शॉटगन में नहीं मर भाई, तो बड़े वाले हैं। रुक जाओ भाई, पिस्टल निकालनी पड़ेगी मुझे। अरे निकल जाए यार पिस्टल भाई, भाग गया क्या? आ गया दूसरा आ गया। हेड बहुत बढ़िया, चलो हेड शॉट दर दिया इसके। और आ रहे हैं भाई, और आ रहे हैं बहुत सारे। इनसे तो कद्दू लोगों को डर नहीं लगता, ये हथौड़ा लेके आया नल्ला। रुक जा पड़ी, बहुत सही। चलो क्रिस्टल स्कल दे रहे हैं लोग काफी सब। भाई पीछे से तो नहीं आ रहा, पीछे से? अबे पीछे से आ गया, रुक जा, बच गया। पीछे से आके धप्पा कर रहे थे भाई। चलो आई थिंक डेड, ऑल क्लियर। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को तो मार दिया फिलहाल, गन पाउडर वगैरह ये जो सामान इन लोगों ने ड्रॉप किया इनको, इसको उठा के चलते हैं सीधा हम लोग ट्रैक्टर के पास में, क्योंकि ट्रैक्टर को उठा के अगर देखते हैं कुछ आई थिंक आगे जाने का रास्ता खुल जाएगा मेरा इसके नीचे, ट्रैक्टर के नीचे। ये ट्रैक्टर को तो उठा दिया है, कुछ मिला तो है नहीं आई थिंक, आगे ही जा सकते हैं हम लोग यहाँ से नीचे से। हाँ ठीक है, नीचे जगह हो गई है ठीक है, बटर से इसको लेट के चलते हैं, पर आराम से घिस घिस के। बहुत बड़े, अबे ये क्या हुआ, कोई ज़ॉम्बी आया क्या एकदम से? कोई नहीं है, निकलना पड़ेगा। चलो छोड़ो, यहाँ पर इधर साइड तो आ चुके हैं हम लोग फिलहाल। कहाँ पे है यार, इधर साइड जाना है ना? हाँ ठीक है इधर साइड, राइट साइड चलते पहले। भाई साउंड आ रहा है ज़ॉम्बीज़, अबे बैठा हुआ है यहीं पर, बैठा हुआ है, इसको मार इसके ऐसे कहते हैं हेडशॉट। बहुत बढ़िया,
उठ गया क्या? दूसरा वाला फिर से उठ गया, मर जाएंगे भाई ये नल्ले हैं, चलो धर दिया इनका, हो गया काम इनका तो। भाई शॉटगन में मेरे एमो नहीं है फिलहाल तो, वो सामने बैठा है एक नल्ला, इसके इसकी ऐसे की तैसे मार दे भाई। अबे इसकी लगी नहीं क्या भाई? मैंने रखा तो है डी पता ये भाई, बहुत सारे आ गए। शिट पिस्टल निकालनी पड़ेगी, शॉटगन में एमो नहीं। अरे निकल जा पिस्टल, बहुत तेज आ रहे। बढ़िया बढ़िया, गया एक। अरे यार रीलोड, रुक जा, दोनों आ गए। मर गया, एंड टाइम पे मरा थे। इसके भी हेडशॉट, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पर इनको भी निपटा दिया। हर्ब मिला है इनसे, हर्ब मिला है ठीक है, ये मेड बनाने काम आ जाएगा। बाकी इधर साइड रास्ता है, इधर कुछ ना कुछ तो होने वाला है क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज इधर बैठे हुए हैं ना, तो इधर कुछ तो इंपॉर्टेंट है। मतलब इधर साइड कोई है क्या? साउंड आ रहा भाई। ओ भाई साहब तो हेलमेट पहने हुए हैं भाई, लेवल वेस्ट एज पे। इसको स्नाइपर राइफल से मारना पड़ेगा आई थिंक भाई। ये बहुत बड़ा वाला मॉन्स्टर है, इसके हेड नहीं मारेंगे भाई, हेड मारने तो वेस्ट है भाई। इसके भाई बहुत तेज पास आ रहा है, हेड पे पड़ी गया। इसके बॉडी में मारना पड़ेगा मुझे, हेड तो नहीं मार सकते इसके, वेस्ट हो जाएंगे बुलेट्स। भाई पीछे निकलो, आ रहा है जल्दी से। आ गया वाह, इसके बॉडी पे मारना पड़ेगा। अब इसको पिस्टल से आराम से मार देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई। चलो तो यहाँ पर गाइस बड़ा वाला जो मॉन्स्टर था उसको भी हम लोगों ने पेल लिया है फिलहाल। यहाँ पर उसे हम लोगों को परफेक्ट क्रिस्टल स्कल मिला है, आगे चल के देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर भाई देखो, मुझे आगे कुछ तगड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है क्योंकि ये बड़े मॉन्स्टर तो आखिरकार वहीं आते हैं जहाँ पर कुछ तगड़ा होता है। बाकी ये गेट तो लेडी डिमेट्रस का साइन है, विंस्ड पता नहीं क्या है। बाकी ये ताला तोड़ के इधर साइड ये वाले घर में चलते हैं। कुछ नोट वोट पड़ा हुआ था भाई, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी नोट की। यहाँ पे कोई है क्या? कोई नहीं, खाली है। फिलहाल यहाँ पे एमओ मिल जाएगी। चलो इस स्नाइपर राइफल के एमओ मिल गए, 3 एमओ मिल गए, काम आ जाएंगी। वो नल्ले के ऊपर काफ़ी सारी एमओ वेस्ट कर दी मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर ज़ॉम्बी बैठा हुआ है। शिट, रुक जा। बढ़िया, गया क्या? अरे मर जा नल्ले भाई, कितनी एमओ वेस्ट करा देते। गन पाउडर मिल गया, चलो एमओ तो क्राफ्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं एमओ की। भाई कैसे ये क्या है भाई, ये क्या हो जाता है? इन लोगों को उड़ उड़ जाते हैं क्या एकदम से लोग? बाकी यहाँ पे हैंडगन के एमओ और मेटालिना बॉडी, ठीक है किसी टॉय की हम लोगों को बॉडी मिली और हैंडगन की 25 एमओ मिल गई है जो कि आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यहाँ पे लॉक पिक मिली है, चलो लॉक वॉक तोड़ने काम आ जाएगी। फिलहाल ये घर में चल के देखते हैं, इस घर में कुछ तगड़ा मिल जाए आगे चल के। तो यहाँ पे कुछ लेटर पड़ा हुआ है, लेटर क्या है? टू हुम इट मे कंसर्न, ड्यू टू लूथर्स लॉन्ग एब्सेंस को ढूंढना है। यहाँ पर चाबी अभी लगाना है तो वेस्ट होने वाला है बिल्कुल, तो आगे चल के कुछ और ढूंढते चल के, बाद में जब बाद में मिल जाएगा तब यहाँ पे आएंगे। बाकी यहाँ पे कौन सी की लग जाएगी? लगेगी आई थिंक शायद, हाँ ठीक है लग गई। चलो इसको खोल के देखते हैं क्या मिलने वाला है अंदर। बाकी यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, यहाँ पर क्रेट पड़ी हुई है, क्रेट तोड़ के देखते हैं। अब यहाँ ज़ॉम्बी तो नहीं है, पहले भाई वाले घर में शॉटगन की 2 एमओ मिली है। चलो थोड़ा बहुत यार, थोड़ी से गढ़ा पड़ता है वैसे। यहाँ पे वेल व्हील मिला है हम लोगों को, वेल व्हील का क्या काम होने वाला है मुझे नहीं पता। बाकी विंडो के बाहर तो कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा मुझे, सीढ़ियों से ऊपर चल के देखते क्या होता है इधर से ना। हाँ ठीक है, सीढ़ी से आई थिंक भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग रेड चिमनी वाले घर के पास में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मुझे रेड चिमनी वाला घर तो दिख गया है, और उसके पास कैसे जा सकते हैं? फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्या मिला? मेटल स्क्रैप। ठीक है, यहाँ पे भाई मतलब सारी चीज़ें मर गई, सारे जानवर मर गए, बड़े बड़े घोड़े तक जिंदा नहीं बचे। ये मुर्गियाँ क्या कर रही हैं यहाँ पे? मतलब इन लोगों को वेजिटेशन खाना पीना मिल कहाँ से रहा है? ये ताला तोड़ के देखते हैं इसके अंदर क्या है। फिलहाल ये वाले घर में मैं आ चुका हूँ क्या? पाइप बॉम्ब पड़ा हुआ है आई थिंक। और ये विंडो कहाँ जाती है? विंडो। अबे ये वही वाला रास्ता है ना जहाँ से, हाँ ठीक है मैं ऊपर से आया। चल के देखते हैं इधर, ये वाले घर में कुछ मिल जाएगा क्या? लॉक है, दूसरी साइड से लॉक है अलग है। चलो छोड़ो, इधर साइड तो फिलहाल भाई ये रेड चिमनी वाला घर तो यही है। इधर से कहीं चढ़ने का ऑप्शन है क्या इसके ऊपर? ये सीढ़ी तो लगी हुई है, चलो सीढ़ी से चढ़ना हम लोगों को। फिलहाल ये गेट खोल के देख लेते हैं कुछ अंदर है क्या काम का कुछ यहाँ पे। कुछ तो लार्ज क्रिस्टल मिला है, क्रिस्टल का है, डोंट नो क्या यूज़ होने वाला है बट अभी तो नहीं पता, आगे चल के पता चले, वो तो बात की बात है। बाकी सीढ़ियों चलते हम लोग फाइनली रेड चिमनी वाले हाउस में आ चुके हैं, और यहाँ से अंदर जाने ठीक है, यहाँ से छत टूटी हुई है, अंदर आ चुके हैं। और इस ये यहाँ से कुछ है क्या इसके अंदर? कुछ ठीक है, पाइप है, कुछ नहीं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ज़ॉम्बी है, अरे इसके हेडशॉट बजाऊंगा, रुक जा, आराम से एकदम एम ले के बजाएंगे इसके हेडशॉट। बहुत बढ़िया, पड़ी 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 पड़ी, मर गया।
चलो गन पाउडर मिला इससे फिलहाल मुझे, गन पाउडर भी आई थिंक बहुत ज्यादा मतलब काम की चीज है यार, मतलब आमो आमो नहीं होंगे तो फिर तो क्या ही कर लेंगे हम लोग। बाकी यहाँ से हैंड गन के आमो मिल गए 15, बहुत बढ़िया। और यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्या इतनी दूर आए हम लोग? यहाँ पे हम लोगों को मिली है, क्या मिला है यहाँ पे? आई थिंक कोई की है ये, आई थिंक द विंश की सिंगल पीस। अच्छा, जो हम लोगों को मुझे लग ही रहा था यार इतनी आसानी से कैसे मिल गए, जो हम लोगों को विंश की उस लेडी ने दी थी ना, उसके और भी पार्ट्स होने वाले, चार पार्ट्स होने वाले। जब हम चार पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तब जाके जो वो विंश की है वो कंप्लीट हो पाएगी। जो मेरी वाली विंश की थी उसके साथ में कंबाइन हो गई, अभी ये इसका सेकंड पार्ट बन चुका है। अब इससे शायद हो सकता है कि और भी गेट ओपन हो जाए। अब हम लोगों को वापस जाना है उस ड्यूक के पास में, नल्ले मोटे के पास में जाना है जो शॉप ऑफ बेचता है। बाकी ये वाला गेट भी अनलॉक कर दिया फ्रंट वाला, और इसको भी अनलॉक कर देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना उधर उधर जाने में। भाई चलो यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं, बाकी नल्ला मोटा रुक जा उसके पास में चलते हैं। ये बैठा हुआ है भाई, अब देखो ये क्या बताता है। चलो सर, भाई बहुत कुछ लर्न कर लिया यार, तुम ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? फिक्स दिस लाइक यू सेड यू वुड। सेटल डाउन, फर्स्ट यू मस्ट यूज दैट की एंड कलेक्ट ऑल ऑफ योर लिटिल रोजेस फ्लावर्स। ओके, where are the rest of the 30 flask jo maine ek lagaya hai, char hai. Okay, you have the one. maine ek to laga liya waise already. lords kya hai? mother miranda is the cold calculating ruler of this village. four lords serve under her. okay, mother miranda ke char jaise senapati bol sakte ho waise hain jo ki uske under mein kaam karte hain. जो पहली थी वो लेडी डिमेट्रेस थी जिसको हम लोगों ने मार दिया। ओके, ये डॉल हाउस में रहती है, डॉल मेकर। और none of her playmates have ever come back from that dank old estate. ओके भाई, ये है डॉल हाउस, भाई कितना खतरनाक सा लग रहा है। तीसरा कौन सा है? मोरो, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmill. मोरो रहता है ये आई थिंक थर्ड मॉन्स्टर है ना, थर्ड वाटर में रहता है, पानी में, ठीक है। और चौथा कौन सा है? हाइजेनबर्ग, मोस्ट डेंजरस। अच्छा, ये फैक्ट्री एरिया भी होने वाला है क्या इसमें? मैंने सोचा आई थिंक पूरा विलेज ही विलेज होगी, लेकिन बढ़िया है फैक्ट्री भी। और जो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, ये हाइजेनबर्ग है जो मोस्ट डेंजरस है। बाकी इन चारों को हम लोगों को मार के वो जो फ्लास्क है, मतलब डर्टी फ्लास्क जो मैंने पिछली वीडियो में कलेक्ट किया था, वो हम लोगों को कलेक्ट करने, और जब वो हम यहाँ पे लगाएंगे तब जाके कुछ तगड़ी चीज होने वाली है। तब आई थिंक मदर मिरांडा आएगी, जो कि भाई बहुत तगड़ी चीज होने वाली है। फिलहाल ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, तूने इतनी बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर लॉर्ड्स की लोकेशन मार करके मैप पे फ्लास्क कलेक्ट करने के लिए। पहले हम लोग जा रहे हैं, देखो पहले दूसरे मॉन्स्टर को मारने के लिए। पहला था हमारी लेडी डिमेट्रेस और दूसरी हमारी डॉल मेकर। हम लोग जा रहे हैं डॉल हाउस, जो कि एक हॉन्टेड हाउस होने वाला है। फिलहाल वो वाले घर के रास्ता आई थिंक ये वाली है। ठीक है ठीक है, यहाँ से चल रहा है भाई, मुझे ऐसे डर नहीं लगता, लेकिन ये जो साउंड आउंड बजता है ना बैकग्राउंड में इतना खतरनाक सा, उससे ज्यादा डर लगता है भाई। ऐसा साउंड मत बजाया करो यार। भाई कैसा साउंड बजा रहे हैं लोग, मुझे ऐसे भाई नहीं डर लग रहा है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में साउंड बजा रहे हैं ना लोग, भाई कितनी सारी डॉल टंगी हुई यहाँ पे। और रास्ता कौन सा है ये, कि ये अलग है कि ये भाई इतने मतलब इतने गांव इलाके में, विलेज एरिया में, ये यहाँ पे क्या कर रही है भाई, ये बेबी स्टैंड। बाकी आई थिंक ये हो सकता है कि रोजी का हो। ब्रिज भाई, ब्रिज ना टूट जाए एकदम से। भाई पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, डर लग रहा है यार मेरे को बहुत ज्यादा आगे जाने में। देखते चल के आगे क्या है। अबे ये किसकी आवाज है? What? ये मेरी वाइफ है क्या? ये सामने क्या है? आई थिंक ग्रेव यार्ड है क्या? यहाँ पे काफी सारे लोगों का वो दिख रहा है यार, मुझे ग्रेव वेव दिख रहा है। बाकी यहाँ पे देखते हैं किसकी है ये, क्या ये किसकी है भाई? यहाँ पे बेनिवेंटो 1987 टू 1996, ठीक है। और बड़ा सा गेट भी है, मैं लूजिंग इट भाई। ये एंट्रेंस है क्या अंदर जाने की? यहाँ पे क्या लगने वाला? हाँ, मेमोरीज देनी है, फैमिली फोटो लग सकती है। ओ फैमिली फोटो लगेगी यहाँ पे। ओके, ये हमारी मियाँ है और जो गोद में थी वो रोज थी यार। कितना अच्छा मतलब लाइफ चल रही थी यार, लेकिन एकदम से सब कुछ पलट जाता है, मतलब क्या ही कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन हम लोगों को पूरा ट्राई करना है यार रोज को बचाने का, मतलब अपनी जान चली जाए चाहे, लेकिन रोज बचानी चाहिए बस। यहाँ पे भाई गन रीलोड कर लेते हैं, अंदर जाके कोई मिल ना जाए। बाकी यहाँ पे कैंडल एंडल कौन जला के रख देता है यार? लिफ्ट लगी हुई है भाई इतने ओल्ड टाइम्स में, मतलब गांव इलाका है पूरा, और यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है भाई। इसका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यार, इसका लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा ना, कोई लॉजिक बन रहा है भाई। ये क्या है? अबे अंधेरा कैसा हो गया एकदम से?
अरे लाइट क्यों फ्लिक भाई, ये मत क्या करो यार, जो साउंड एकदम से बचता है ना भाई, सही में छोड़ो। अरे यार चलना पड़ेगा भाई, यार आ जा यार, कहाँ पे है ये, आ गया। चलो भाई थोड़ा सा उजाला उजाला आया। ये किसका बजा था? ठीक है यहाँ पे कैंडल वैंडल है, कुछ भी नहीं है, बाकी बाहर निकल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये भाई आए हम लोग कुछ खुले एरिया में, अब जाके थोड़ी सांस आ रही है भाई, बंद एरिया में तो और ज्यादा। भाई फाइनली फाइनली सामने आ चुका है भाई डॉल हाउस, जो हम लोगों की सेकंड बॉस होने वाली है। डॉल मेकर इसके अंदर रहती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंट्री लेते चल के एकदम से धप्पा नहीं कर दे यार, पैर रखते मेरे हाउस बेनिवेंटो बेनिवेंटियो बेनिवेंटो। चलो इसके अंदर खोलते हैं गेट। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग डॉल के हाउस में। तो गाइस आज की वीडियो में इतनी, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, 1K का सब टारगेट कंप्लीट करवा दो जल्दी से। डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस पार्ट्स की लिंक दे दूंगा, वो भी चेकआउट कर लेना। और भाई सब्सक्राइब मार दो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।